राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में हैं। सिंधिया ने महल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है। वहीं एमपी कांग्रेस में मचे घमासान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में चुटकियां लेते हैं। मैंने 20 साल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बीजेपी के परचम को लहराना, जनता की सेवा करना, विकास और प्रगति लाना ही मेरा धर्म और दायित्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में जो चल रहा है वो उनका अंदरूनी मामला है, ये उनका विषय है, वो अपने आप देखे, हम अपने घर को मजबूत करेंगे। वहीं चुनाव में लेन देन में अपने समर्थकों के नाम पर सिंधिया ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी इसमें शामिल है रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंधिया बोले कि मैंने सदैव कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, आपको मालूम था कि बल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। सुबह से रात तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, रात के अंधेरे में ही नहीं दिन दहाड़े भी भ्रष्टाचार का समुद्र बन गया था, अब सब कुछ जनता के सामने आ गया है। साथ ही सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में अब तक जो घर के अंदर हो रहा था वो अब सड़क पर और सबके सामने आ गया है। कांग्रेस जनता राज्य और देश में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जनता के हित की योजनाओं का विरोध करना कांग्रेस की परंपरा बन चुकी है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जन कल्याण योजनाओं के साथ है। मोदी जी और नड्डा जी और साथ ही अमित शाह जी के नेतृत्व में जनता इस त्रिमूर्ति में पूर्ण विश्वास रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।